शहर के फतेहपुरिया द्वयम निवासी अधेड़ खेमचंद चौरटिया पुत्र पूनम चंद ने बैंक अधिकारियों पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को आत्महत्या करने के लिए नुंद्री मेंद्रातान स्थित ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस दौरान चौरटिया ने शासन तथा प्रशासन पर भी उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चौरटिया के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन हरकत में आया। जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस के जवान उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह तथा तहसीलदार मोहन सिंह मौके पर पहुंचे तथा टंकी पर चढ़े चौरटिया को नीचे उतरने तथा अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखने के लिए समझाइश शुरू की, लेकिन चौरटिया नहीं माने। इस दौरान मौके पर पहुंची चौरटिया की धर्मपत्नी, पुत्र तथा पुत्री ने भी उन्हें फोन कर नीचे उतरने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। तहसीलदार मोहन सिंह ने भी मोबाइल पर चौरटिया से नीचे उतरने तथा उनकी मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत करवाने का विश्वास दिलाया। चौरटिया का आरोप था कि विगत 6 वर्षों से वह अपनी विभिन्न शिकायतों को लेकर शासन तथा प्रशासन तक के कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी ओर से किसी की भी तरफ से उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब वह आत्महत्या कर रहा है। उधर पानी की टंकी पर चढ़ने से पहले चौरटिया ने अपनी शिकायतों तथा मांगों के संबंध में एक पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। सोशल मीडिया पर वायरल किए पत्र में चौरटिया ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर जोशी, मेघवाल ब्यावर के एलमीना, हेमंत अजमेर तथा जयपुर के कुछ अधिकारियों तथा कुछ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी करने, उसके मकान तथा फैक्ट्री के सीज को खोलने तथा बैंक अधिकारियों की ओर से उसे तंग परेशान करने के चलते उसे हुई मानसिक वेदना के लिए 25 लाख रुपए का हर्जा दिलवाने की मांग की गई है। जानकारी मिली है कि चौरटिया ने पंजाब नेशनल बैंक से किसी कार्यवश ऋण लिया था। बताया जा रहा है कि ऋण राशि के चुकाने के दौरान किसी प्रकार के विवाद के चलते पंजाब नेशनल बैंक ने चौरटिया की एक फैक्ट्री तथा मकान को सीज कर दिया। सीज कार्यवाही को लेकर पीड़ित चौरटिया ने इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों के साथ साथ शासन व प्रशासन के आला अधिकारियों को की, लेकिन 6 वर्षों से किसी भी अधिकारी ने उसकी एक नहीं सुनी, जिसके कारण तंग परेशान चौरटिया शुक्रवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गया। उधर घटनाक्रम की जानकारी के बाद सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी मोबाइल के माध्यम से चौरटिया को नीचे उतरकर प्रशासन से बातचीत करने का आग्रह किया। बात नहीं बनने पर प्रशासन ने मौके पर अग्निशमन विभाग तथा अजमेर से सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया। आखिर में अग्निशमन कर्मचारी रमेश सोलंकी धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे टंकी पर चढ़ा और चौरटिया के नजदीक पहुंचते ही उससे बातें करना शुरू किया और काफी देर तक बातों में उलझाने के बाद उसकी टांग पकड़ कर उसे काबू में किया और धीरे धीरे टंकी से नीचे उतारा। टंकी से नीचे उतरते ही मौके पर उपस्थित सिविल डिफेंस की टीम ने सदस्यों तथा पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ले जाकर उपचार हेतु भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि टंकी से नीचे उतरने के दौरान चौरटिया ने बोतल में भरा पेट्रोल भी अपने शरीर पर छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। उधर चौरटिया के करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रूप से टंकी से नीचे उतर जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब प्रशासन चौरटिया की स्थिति सामान्य होते ही उसकी शिकायतों के संदर्भ में बातचीत करेगा। करीब 5 घंटे तक चले उक्त घटनाक्रम के दौरान मौके पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित रही। हेमचंद चौरटिया नाम के एक इंसान है, उन्होंने अपने आप को नूंद्री महेंद्रताल के स्कूल के सामने जो पानी की टंकी है वहां पे चढ़ा लिया है। इनका जो मैटर था वो PNB बैंक से रिलेटेड था। 12 लाख का लोन था जो कि नियम अनुसार बैंक ने कुर्क की थी इनकी संपत्ति। इसमें सारे नियमों का पालना किया गया था। इनकी कोई ग्रीवेंसेस थी जो हमारे पास भी लेके आए थे और उसमें ये डाउन द हायरार्की एंड अप द हायरार्की सबको लेके गए थे। और वहाँ से भी जब इनको लगा कि सारी निराशा है तो इन्होंने टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया। इनके साथ खूब सारी समझाइशें की गई। 5 से 10 अटेम्प्ट तो हमारी टीम ने खुद ही लगाए जहाँ पे इनकी सारी डिमांड्स व मांगों को माना गया, सुना गया। इनका जो ऑक्शन होने वाला था वो ऑक्शन हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रुकवा दिया। इनकी एक और मेजर डिमांड थी कि जो सीज की हुई प्रॉपर्टी है वो खुलवाई जाए। वो वैसे तो हमारे लेवल पर होना संभव नहीं था, लेकिन हमने फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बैंक वालों को कोऑपरेट करने का बोला। और मैंने बोला जस्ट इन केस इफ़ समथिंग हैपन्स तो प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। खैर 6-7 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उसमें पुलिस,
हमारी रेवेन्यू की टीम, पंचायत की टीम, नगर परिषद की टीम, सिविल डिफेंस की टीम जो अजमेर से आई थी खासकर, उन सब के प्रयासों से इस व्यक्ति को सेफली नीचे उतारा गया। देखा गया कि इसके हाथ में एक पेट्रोल की बोतल थी। ये कूदने की तो ब्लैकमेल कर ही रहा था, वह ये अपने ऊपर पेट्रोल डालने का भी प्रयास किया इसने। तो खैर ये सब चीज़ें तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगी, बट फिलहाल तो इस बंदे को रेस्क्यू कर लिया गया, इस इंसान को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसका एक बार मेडिकल करा के हम इसमें जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, बिकॉज संवेदनशील मामला है, तो एक बार व्यक्तिगत सुनवाई करने का भी ट्राई करेंगे और फिर इनकी जो जो डिमांड है उसमें नियमानुसार कार्रवाई। क्या इसका मकान सीज